नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर मेट्रो रेल के पूरे हो चुके खंड और बिना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन का उद्घाटन किया। सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण नियम की अधिसूचना जारी की। सीधी बिक्री से जुड़ी कंपनियां पिरामिड योजनाओं को बढ़ावा नहीं दे सकती। दिल्ली में बढ़ते कोविड संक्रमण के कारण येलो अलर्ट की घोषणा, स्कूल कॉलेज बंद। पंजाब में 15 जनवरी से सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश के लिए पूर्ण टीकाकरण जरूरी। केंद्र ने कहा, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की तरह चुनाव ड्यूटी कर्मी भी तीसरे टीके के लिए पात्र। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन के बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने की चेतावनी दी। लुधियाना न्यायालय विस्फोट का मास्टरमाइंड जर्मनी में गिरफ्तार। रेटिंग एजेंसी ICRA ने मौजूदा और अगले वित्त वर्ष में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 9% रहने का अनुमान व्यक्त किया। सेंचुरियन क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत को दक्षिण अफ्रीका पर पहली पारी में 130 रन की बढ़त। और मोहम्मद शमी टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले देश के 5वें तेज गेंदबाज बने। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं मुकेश कुमार। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वतंत्रता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। हर सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होने वाला ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक जारी रहेगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल के अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, किस भारतीय स्वाधीनता सेनानी ने वर्ष 1909 में लंदन के इंपीरियल इंस्टीट्यूट में कर्जन वाइली की हत्या की थी। इस निर्भीक स्वाधीनता सेनानी में बलिदान की भावना इतनी प्रबल थी कि मृत्यु दंड सुनाए जाने पर उन्होंने न्यायाधीश को धन्यवाद दिया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है मदन लाल ढींगरा। 1 जुलाई 1909 को नेशनल इंडियन एसोसिएशन की बैठक में मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वाइली को गोली मार दी थी। इसके बाद उन्होंने वहां से हटने या भागने का कोई प्रयास नहीं किया। सुनवाई के दौरान उन्होंने स्वयं ही मृत्युदंड मांगा। मृत्युदंड दिए जाने पर उन्होंने न्यायाधीश को धन्यवाद दिया। इस माटी में जन्मे इस निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी में बलिदान की भावना इतनी प्रबल थी। आकाशवाणी को दुनिया भर से बड़ी संख्या में श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है और भाग्यशाली विजेता हैं पालघर महाराष्ट्र में नाला सुपारा की प्रियंका सूर्यवंशी। मैं प्रियंका सूर्यवंशी नाला सुपारा पालघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। मैं सभी देशवासियों को गुजारिश करती हूँ कि सभी ये प्रोग्राम सुने और इस क्विज में सहभाग ले। मैं आकाशवाणी बचपन से सुनती आई हूँ, इससे मुझे बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है। अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न सोमवार 3 जनवरी 2022 को पूछा जाएगा। आइए आकाशवाणी समाचार के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों में शामिल हों।
और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उत्तर प्रदेश में कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के आईआईटी कानपुर से मोती झील तक 9 किलोमीटर के खंड और 356 किलोमीटर लंबी बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 4.5 वर्षों में शहरी क्षेत्र में कम आय वाले लोगों के लिए 17 लाख से अधिक घर स्वीकृत किए गए हैं। 2017 से पहले के 10 वर्षों के दौरान यूपी में शहरी गरीबों के लिए सिर्फ 2.5 लाख पक्के मकान ही बन पाए थे। बीते 4.5 साल में यूपी सरकार ने शहरी गरीबों के लिए 17 लाख से ज्यादा घर स्वीकृत हुए हैं। इनमें से 9.5 लाख बन भी चुके हैं और बाकियों पर तेजी से काम भी चल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि विकास में असमानता को दूर करने के लिए सरकार सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को लेकर काम कर रही है। दशकों तक हमारे देश में ये स्थिति रही कि एक हिस्सा का तो विकास हुआ, दूसरा पीछे ही छूट गया। राज्यों के स्तर पर, समाज के स्तर पर इस असमानता को दूर करना जरूरी है। इसलिए हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम कर रही है। समाज के हर वर्ग, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी सभी को हमारी सरकार की योजनाओं उससे बराबर लाभ उनको मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश को आईआईटी कानपुर के विद्यार्थियों और शिक्षकों की क्षमता पर पूरा विश्वास है और सरकार उन्हें हर संभव सहयोग देने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड में हल्द्वानी जाएंगे। श्री मोदी 17,500 करोड़ रूपये लागत की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे में 5,750 करोड़ रुपए लागत की लखवार बहुउद्देशीय परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना 1976 में शुरू की गई थी, लेकिन पिछले कई वर्षों से लंबित पड़ी थी। राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना से लगभग 34,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई होगी, 300 मेगावाट पनबिजली का उत्पादन होगा और 6 राज्यों में पीने के पानी की आपूर्ति हो सकेगी। देश के दूर दराज के क्षेत्रों तक संपर्क बढ़ाने की प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि के अनुरूप लगभग 8,700 करोड़ रुपए की लागत से सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ किया जाएगा। इन सड़क परियोजनाओं से गढ़वाल, कुमाऊं और तराई क्षेत्र के अलावा उत्तराखंड और नेपाल के बीच भी संपर्क बढ़ेगा। श्री मोदी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण टनकपुर पिथौरागढ़ मार्ग की सड़कों को चौड़ा किया जाएगा। इस मार्ग पर हर मौसम में आवाजाही आसान होगी और सीमावर्ती क्षेत्रों तक सेना की पहुंच सुगम होगी। इसके अलावा कैलाश मानसरोवर यात्रा तक भी संपर्क सुविधा बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ऊधम सिंह नगर जिले में एम्स ऋषिकेश उपग्रह केंद्र और पिथौरागढ़ में जगजीवन राम सरकारी मेडिकल कॉलेज की भी आधारशिला रखेंगे। सितारगंज और काशीपुर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 2,400 आवासों के निर्माण का भी शुभारंभ किया जाएगा। इस क्षेत्र की पूरी क्षमता से उपयोग की प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि के अनुरूप काशीपुर में 41 एकड़ क्षेत्र में अरोमा पार्क और सितारगंज में 40 एकड़ में प्लास्टिक औद्योगिक पार्क की भी आधारशिला रखी जाएगी। समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। केंद्र ने उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 की अधिसूचना जारी कर दी है। ये नियम देश में प्रत्यक्ष विक्रय के माध्यम से खरीदी या बेची गई वस्तु और सेवाओं पर लागू होंगे। साथ ही उपभोक्ताओं को वस्तु और सेवाएं देने वाली सीधी बिक्री से जुड़ी कंपनियों पर भी ये नियम लागू होंगे। ये नियम उन कंपनियों पर भी लागू होंगे जो देश में स्थापित नहीं हैं, लेकिन उपभोक्ताओं को वस्तु और सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। इन नियमों के सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से 90 दिन के अंदर प्रत्यक्ष विक्रय से जुड़ी मौजूदा कंपनियों को इनका अनुपालन करना होगा। सीधी बिक्री करने वाली कंपनियों और विक्रेताओं पर अपने उत्पादों की बहुस्तरीय बिक्री के लिए नए सदस्यों की श्रृंखला बनाने की पिरामिड योजना को बढ़ावा देने पर प्रतिबंध रहेगा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर मेट्रो रेल के पूरे हो चुके खंड और बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन का उद्घाटन किया।
सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण नियम की अधिसूचना जारी की। सीधी बिक्री से जुड़ी कंपनियां पिरामिड योजनाओं को बढ़ावा नहीं दे सकती। दिल्ली में बढ़ते कोविड संक्रमण के कारण येलो अलर्ट की घोषणा, स्कूल कॉलेज बंद। पंजाब में 15 जनवरी से सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश के लिए पूर्ण टीकाकरण जरूरी। केंद्र ने कहा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की तरह चुनाव ड्यूटी कर्मी भी तीसरे टीके के लिए पात्र। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन से बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने की चेतावनी दी। लुधियाना न्यायालय विस्फोट का मास्टरमाइंड जर्मनी में गिरफ्तार। रेटिंग एजेंसी ICRA ने मौजूदा और अगले वित्त वर्ष में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 9% रहने का अनुमान व्यक्त किया। सेंचुरियन क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत को दक्षिण अफ्रीका पर पहली पारी में 130 रन की बढ़त। और मोहम्मद शमी टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले देश के पांचवें तेज गेंदबाज बने। देश में कोविड टीकाकरण 143 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। इनमें से 83,97,00,000 से अधिक टीके पहली डोज और 59,10,00,000 दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 57,00,000 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्र ने चुनाव ड्यूटी कर्मचारियों को अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की तरह एहतियाती डोज के लिए पात्र माने जाने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को ये नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अधिक संक्रामक ओमिक्रॉन वेरिएंट की चिंता के बीच एहतियाती डोज लगाए जाने की शुरुआत की जा रही है। चिकित्साकर्मी, अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्यकर्मी और अन्य रोगों से ग्रस्त वरिष्ठ नागरिक 10 जनवरी से एहतियाती डोज लगवा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की अन्य रोगों से ग्रस्तता प्रमाणित करने के लिए डॉक्टर का प्रमाण पत्र या पर्ची जरूरी नहीं होगी। दिल्ली में कोविड के बढ़ते संक्रमण के कारण स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, जिम, मल्टीप्लेक्स, बैंकेट हॉल, ऑडिटोरियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए गए हैं। अब दिल्ली में रात का कर्फ्यू 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। दिल्ली में घोषित येलो अलर्ट के कारण ये प्रतिबंध लागू किए गए हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA के आदेश के अनुसार दिल्ली मेट्रो और बसें भी बैठने की 50% क्षमता के साथ चलेंगी और इनमें खड़े होकर यात्रा नहीं की जा सकेगी। पंजाब में कोविड रोधी टीके की दोनों डोज नहीं लगवाने वालों को 15 जनवरी से सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। राज्य सरकार ने कल जारी आदेश में कहा कि ऐसे लोगों को घर पर ही रहना होगा। सार्वजनिक स्थलों, समारोहों, बाजारों, सार्वजनिक परिवहन और धार्मिक स्थलों पर नहीं जा सकेंगे ऐसे लोग। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था चरमरा सकती है। संगठन ने कहा है कि अत्यधिक संक्रामक इस वेरिएंट के कारण कई देशों में संक्रमित लोगों की संख्या में तेज बढ़ोतरी हुई है। इससे बड़ी संख्या में लोगों को, विशेषकर जिन्हें टीका नहीं लग पाया है, अस्पतालों में दाखिल करना पड़ सकता है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ बढ़ेगा। वर्ष के सर्वाधिक व्यस्त यात्रा समय में पूरे विश्व में शुक्रवार से 11,500 उड़ानें रद्द कर देनी पड़ी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे कोरोना जागरूकता श्रृंखला में लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली की डॉक्टर रूपाली मलिक श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टेलीफोन नंबर 011-2342-1230 और 011-2342-1764 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर एक बार फिर सुन लें, 011-2342-1230 और 011-2342-1764। लुधियाना न्यायालय बम विस्फोट के मास्टरमाइंड को जर्मनी में गिरफ्तार कर लिया गया है। जर्मनी पुलिस ने पंजाब के लुधियाना में 23 दिसंबर को हुए इस विस्फोट के सिलसिले में जसविंदर सिंह मुल्तानी को एयरफोर्ट शहर से गिरफ्तार किया। मुल्तानी मुंबई, दिल्ली और देश के अन्य शहरों में भी आतंकी हमले की साजिश कर रहा था। इसकी गिरफ्तारी भारतीय एजेंसियों द्वारा मुहैया कराई गई सटीक जानकारी के आधार पर की गई है। पाकिस्तानी मुल्तानी खुफिया एजेंसी ISI समर्थित खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस का कार्यकर्ता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA ने कहा है कि मौजूदा और अगले वित्त वर्ष में भारत की सकल उत्पाद वृद्धि दर 9% रहने का अनुमान है। ओमिक्रॉन से उपजी चिंताओं के बीच मौजूदा वित्त वर्ष में दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 8.4% रही, जबकि अप्रैल से जून तक की पहली तिमाही में ये 20.1% थी।
सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत मजबूत स्थिति में है। चौथे दिन आज भारत दूसरी पारी में एक विकेट पर 16 रन से आगे खेलेगा। भारत की कुल बढ़त 146 रन की हो गई है। इससे पहले मेजबान दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 197 रन पर सिमट गई। भारत ने पहली पारी में 327 रन बनाए थे। पहली पारी के आधार पर 130 रन की बढ़त मिली थी। भारत के मोहम्मद शमी टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले देश के पांचवें तेज गेंदबाज बन गए हैं। शमी ने कल सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन ये उपलब्धि हासिल की। उनसे पहले कपिल देव, जवागल श्रीनाथ, जहीर खान और ईशांत शर्मा ये गौरव हासिल कर चुके हैं। तेज गति से 200 विकेट प्राप्त करने में वे कपिल देव और श्रीनाथ के बाद तीसरे स्थान पर हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेष वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत वर्ष 2021 की प्रमुख झलकियां प्रस्तुत कर रहा है। आज हम श्रमिक कल्याण नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के श्रमेव जयते कार्यक्रम की चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने श्रमिकों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। हमारे संवाददाता ने श्रमिकों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं का जायजा लिया है। मजदूरों और श्रमिकों को कोविड महामारी के दौरान राहत प्रदान करने और उनके कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई प्रमुख योजनाएं शुरू की गई हैं। असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस साल ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया। अब तक 10 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों ने ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। पंजीकृत सभी पात्र श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2,00,000 रुपए का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता है। सरकार रेहड़ी पटरी व्यवसायी और फेरी वालों को कार्यशील पूंजी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना भी चला रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सूक्ष्म और लघु व्यवसायियों को 10,00,000 रुपए तक के ऋण प्रदान किए जा रहे हैं। सरकार के प्रमुख कार्यक्रम जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना भी देश में स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में प्रभावी साबित हो रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए नई दिल्ली से भूपेंद्र सिंह। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण ही खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1444 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। जननी, जननी, जन्मभूमि च, जन्मभूमि च, स्वर्गादपि, स्वर्गादपि, गरीयसि। आज की कड़ी में हम शुरुआती उदारवादी नेताओं में से एक ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 29 दिसंबर 1844 को हुआ था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सह संस्थापक और पहले अध्यक्ष थे। तू ही माता नामा भूमि पवित्र भारत भूमि। ब्योमेश चंद्र बनर्जी ने इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई के लिए सरकारी छात्रवृत्ति हासिल की। जून 1867 में उन्हें वहां की बार में बुलाया गया। इंग्लैंड में उन्होंने लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना की और भारत में प्रतिनिधि तथा जिम्मेदार सरकार की हिमायत की। वे 1868 में कलकत्ता लौट आए और कुछ ही वर्षों में उच्च न्यायालय में सबसे अधिक ख्याति प्राप्त बैरिस्टर बन गए। 1883 में उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में सुरेंद्रनाथ बनर्जी पर चल रहे अवमानना के मुकदमे में अदालत में उनका बचाव किया। ब्योमेश चंद्र बनर्जी ने 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की। कलकत्ता में आयोजित 1886 के अधिवेशन में
दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में उन्होंने अपने काम के बेहतर समन्वय के लिए प्रत्येक प्रांत में कांग्रेस की स्थायी समितियों के गठन का प्रस्ताव रखा। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस को अपनी गतिविधियों को केवल राजनीतिक मामलों तक ही सीमित रखने और सामाजिक सुधारों के मुद्दों को अन्य संगठनों पर छोड़ देने की हिमायत की। उन्होंने इलाहाबाद में 1892 के सत्र में फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। इस महान नेता को हमारी श्रद्धांजलि। आज हम याद कर रहे हैं क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भूपेंद्र कुमार दत्ता को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। 1979 में आज ही के दिन उनका निधन हुआ था। एक प्रमुख जुगांतर नेता भूपेंद्र कुमार दत्ता ने दिसंबर 1917 में बिलासपुर जेल में 78 दिन तक भूख हड़ताल की थी। ये उस समय तक किसी भी देश में सबसे लंबी अवधि की भूख हड़ताल थी। दत्ता का जन्म 8 अक्टूबर 1892 को जैसोर के गांव ठाकुरपुर में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। वे अनुशीलन समिति के विभाजन विरोधी आंदोलनों से प्रेरित हुए और संगठन में शामिल हो गए। सितंबर 1915 में बाघा जतिन की मृत्यु के बाद भारत में बड़े पैमाने पर दमन हुआ और स्वतंत्रता सेनानियों को जेलों में बंद कर दिया गया। भूपेंद्र कुमार दत्ता को 17 मई 1917 को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में जितेन लाहिड़ी और भूपेंद्र कुमार दत्ता ने बंदी प्रत्यक्षीकरण के बिना स्वतंत्रता सेनानियों को जेल भेजे जाने और उनके शारीरिक तथा मानसिक उत्पीड़न के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने भूख हड़ताल के फैसले के बारे में 8 पन्नों की एक लंबी अपील प्रकाशित की, जिसे देश की कई महत्वपूर्ण हस्तियों को भेजा गया। भूपेंद्र कुमार दत्ता को बाद में बिलासपुर जेल भेज दिया गया, जहां उन्होंने 78 दिन तक भूख हड़ताल जारी रखी। 1920 में उन्हें रिहा कर दिया गया। भूपेंद्र कुमार दत्ता को 23 सितंबर 1923 को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और बर्मा के मांडले जेल भेज दिया गया। जल्द ही सुभाष चंद्र बोस को भी गिरफ्तार कर लिया गया। नेताजी ने भूपेंद्र को मेमोरीज ऑफ ए रिवोल्यूशनिस्ट पुस्तक भेंट की, जिसे वे यूरोप की अपनी अंतिम यात्रा के दौरान छिपा कर लाए थे। में अपनी रिहाई के बाद भूपेंद्र ने विभिन्न जुगांतर नेताओं के साथ संपर्क बनाए रखने, पत्रिकाओं का संपादन करने, हथियार इकट्ठा करने और उन्हें वितरित करने का काम फिर से शुरू किया। 1930 में चटगांव शस्त्रागार छापे के फरार क्रांतिकारियों को पनाह देने पर उन्हें फिर से 8 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था। उन्होंने साप्ताहिक समाचार पत्र फॉरवर्ड का संपादन किया। 1941 में उन्हें फिर से 5 साल के लिए हिरासत में ले लिया गया। भूपेंद्र विभाजन के बाद सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों को बचाने के लिए पूर्वी पाकिस्तान में सक्रिय रहे। वे संसद सदस्य भी चुने गए। उन्होंने 1948 में पाकिस्तान की संविधान सभा में बांग्ला को पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा बनाने के प्रस्ताव का समर्थन किया। 1962 में वे भारत लौट आए और स्वयं को राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया। इस महान स्वतंत्रता सेनानी को हमारा सलाम। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली में हल्का कोहरा छाया रहेगा। कोलकाता और चेन्नई में बादल छाए रहने के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। श्रीनगर, जम्मू, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। लेह में हल्के बादल छाए रहेंगे। और दिवेंद्र, आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है।
जी मुकेश, कानपुर में प्रधानमंत्री के संबोधन की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स ने प्रधानमंत्री का वक्तव्य देते हुए लिखा है, भ्रष्टाचार का इत्र सामने आया। राष्ट्रीय सहारा के अनुसार पूर्व की सरकारों में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था, योजनाओं का पैसा अब बक्सों से निकल रहा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं तक अब जल्द पहुंच सकेंगे भारतीय सैनिक। सीमावर्ती इलाकों में सीमा सड़क संगठन ने बनाए 24 पुल और 3 सड़कें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। दैनिक ट्रिब्यून ने केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में हिमपात की खबर सचित्र प्रकाशित की है। और राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, ड्रोन के इस्तेमाल से जॉब बाजार होगा गुलजार। ग्रामीण क्षेत्र में निकलेंगी 50 लाख नौकरियां। कृषि क्षेत्र में ड्रोन इस्तेमाल बढ़ाने की कवायद। पत्र ने देश की सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक वृद्धि दर 9% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर मेट्रो रेल के पूरे हो चुके खंड और बिना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन का उद्घाटन किया। दिल्ली में बढ़ते कोविड संक्रमण के कारण येलो अलर्ट की घोषणा, स्कूल कॉलेज बंद। केंद्र ने कहा, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की तरह चुनाव ड्यूटी कर्मी भी तीसरे टीके के लिए पात्र। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन से बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने की चेतावनी दी। लुधियाना न्यायालय विस्फोट का मास्टरमाइंड जर्मनी में गिरफ्तार। सेंचुरियन क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत को दक्षिण अफ्रीका पर पहली पारी में 130 रन की बढ़त। और मोहम्मद शमी टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले देश के पांचवें तेज गेंदबाज बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।